हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी साबूदाना फेस पैक। आपने नवरात्रों में साबूदाने की खिचड़ी, खीर, पकोड़े तो बहुत खाए होंगे, बहुत यूज़ होता है इनका नवरात्रों में। लेकिन आज मैं आपको इस फेस मास्क के फ़ायदे बताने वाली हूँ। और इस फेस पैक को रेडी करने के लिए मैंने यहाँ लिया है 2 चम्मच साबूदाना और 2 चम्मच कच्चा दूध। आपको बॉयल किया हुआ दूध नहीं लेना, क्योंकि जब हम किसी भी होम रेमेडी में दूध का यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें कच्चा दूध ही लेना होता है। यहाँ मैंने साबूदाने को मिक्सी में ग्राइंड करके उसका एक फाइन पाउडर बना लिया है और अब इसमें हम दूध मिक्स करेंगे। कोरोना के बाद से ही लोग अब पार्लर जाना सेफ नहीं समझते। वायरस के डर से लोग घरों में ही रहना पसंद करते हैं और होममेड रेमेडी से ही स्किन को हेल्दी बना रहे हैं। हमारी किचन में ही आपको कई ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, उन्हीं में से एक है साबूदाना। साबूदाने का प्रयोग व्रत में खाने के लिए होता है, लेकिन इसके और भी फायदे हैं। आप घर पर ही इसका फेस पैक बनाकर कई तरह की स्किन प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में स्किन से रिलेटेड कई समस्याएं होने लगती हैं। लोग पार्लर जाकर महंगे फेशियल करवाते हैं, उनका असर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता। साबूदाना में होता है आयरन, कैल्शियम, कॉपर, विटामिन B6 और सोडियम। इसमें स्टार्च सबसे ज़्यादा होता है। स्टार्च स्किन को टाइट बनाता है और ग्लोई बनाता है। ये स्किन को डीपली एक्सफोलिएट करता है। इसे फेस पर अप्लाई करते टाइम आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये एक रबड़ की तरह बन जाएगा, फेस पर लगाते हुए बार बार उतरेगा, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर तेज़ धूप या मेकअप से स्किन झुलस गई हो तो आप डेफिनेटली इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, जो स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसे लगाने से फेस पर पिंपल्स और दानों की समस्या दूर हो जाती है और चेहरे पर नेचुरल ग्लो देखने को मिलता है। 15 मिनट रखने के बाद मैंने इसे वॉश कर लिया। आप भी इन गर्मियों में एक बार ये ज़रूर ट्राई करके देखना। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।